के लिए और फिल्म का गाना, जैसे कि अभी बात हो रही है फिल्म का गाना जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो जो कोई भी फिल्म आने से पहले कोई भी गाना इस तरह से ट्रेंडिंग पे आ जाता, तो क्या कुछ फील करते हैं आपको एज एन सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, एज एन, आप बताइए सर, सर आपसे साथ करें। देखिए एक टीम होती है लिरिसिस्ट एंड सिंगर म्यूजिक कंपोजर की, प्रोग्रामर, पूरी टीम, एक बहुत बड़ी टीम वर्क करती है गाने के पीछे, तो सब अच्छी उम्मीद करते हैं और गॉड को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उस लेवल तक ट्रेंड किया गाना, जिस शिद्दत से बनाता है आदमी, उस शिद्दत से लोगों तक पहुंच जाए, ये उसके लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती जी, तो बस गॉड को थैंक यू बोलते हैं। जी जी मेहनत तो देखिए हमेशा रंग लाती है, बस आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, वही मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया और सर भैया हमेशा मुझे ये बोलते तू पेशेंस रख काम कर, होगा होगा होगा, तो वो बात अब मुझे लग रही है कि नहीं ऐसा ही बोलते हैं सब कि पेशेंस रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, वो रंग तो लाती है। और अभी मुझे पता चला कि गाना ट्रेंड कर रहा है, इनफैक्ट आप ही ने भी कन्फर्म किया कि नहीं चल रहा है, तो अच्छी मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है कि ठीक है आपने मेहनत की और फाइनली वो अप्रिशिएट किया जा रहा है। सर आप बताइए, आपके तो हम ढेरों सारे गाने देख चुके हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे में कुछ बढ़ जाती है ऐसा? 100% क्योंकि लोग सचिन से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आके है ना, तो जब नहीं होगा तो आदमी को होता है ना, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी डबल ही हो जाती कि यार अभी जैसे ये गाना है हिट, ये आया हिट, अगर नहीं हिट होगा तो फिर मैं डर जाता हूँ अरे बाप रे क्या होगा, तो फिर लोग बोलेंगे अरे, तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी होती है। जब एक चीज़ को अगर स्टेब्लिश हो जाए तो बार बार नहीं अगर करेगा तो फिर, और ये मेरा फील्ड है तो इस फील्ड में मतलब ऐसा है ना कि यार ये है अब इसमें भी नहीं कर पाए तो फिर क्या करें, तो इसलिए जिम्मेदारी होती है, बट आदमी को अपना काम करना चाहिए मेहनत से, बाकी तो चलना नहीं चलना ऊपर वाले के। हाँ खुशी इस बात की है कि गाना ट्रेंड कर रहा है और लोग के मैसेज आ रहे हैं, बोल रहे हैं अरे गाना सुपर हिट गाना, बोला गाना कल शाम में आया, आज आई थिंक आज खुल। और मतलब ये तो मतलब एक दिन में मतलब ये हो रहा है, अभी तो पूरा दिन नहीं, अभी तो सिर्फ 5-7 घंटे हुए, अभी तो शाम तक रात तक तो मतलब मुझे लगता है गाना अच्छा हो जाएगा, पसंद आएगा, बहुत मेहनत हुई है। और स्वाति जी को यही हमेशा, स्वाति शर्मा को यही कहता हूँ कि पेशेंट रखो, संभल रखो, अच्छा होगा, सबका टाइम आता है। जब हम आए थे तो उस वक्त था टाइम, सब बड़े बड़े शायर लोग लिखा करते थे, तो हमने भी 10-15 साल दिए, तो अभी थोड़ा बहुत नाम आता है कि शब्द तो अच्छा, तो आदमी होते ना कि जगजीत सिंह जी की गज़ल सुनेंगे कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, तो आदमी काम करे धीरे धीरे, सब का समय आता है, एक दिन आसमान आपका होता है और पर अपने खोल कर फिर उस पर उड़ना रहता है, तो उस टाइम लगता है छोटी छोटी, तो आज हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि स्वाति जी जो इतनी काबिल और इतना अच्छा गाती हैं, इनको एक अच्छे गाने से दोबारा इनका वो और ये हिट तो इन्होंने बन्नो और सारे हिट गाने गाए हैं, उसके बाद अभी ये गाना आया तो खुशी होती कि हाँ, लेकिन इनका जॉनर अलग अलग है, ये रोमांटिक बहुत अच्छा गाती हैं, और अभी हमारे कुछ पिक्चरों में इन्होंने कुछ गाने गाए हैं तो डिफरेंट स्टाइल के हैं, हाँ बिल्कुल साहब ने कंपोज किए काफ़ी पिक्चर, राज भाई और मैं बहुत सारी मतलब कॉम्बिनेशन में बहुत काम कर रहे हैं, तो हमारी ये लक्की हैं, करेक्ट करेक्ट, लक्की सिंगर हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारी हर फिल्म में ये हमारे साथ। अच्छा सर, क्योंकि एज ए म्यूजिक कंपोजर आप लोगों से जानना चाहिए कि जब इस तरह की लिरिक्स आप लोगों के पास आती है तो कैसे, मतलब क्योंकि सर मुझे इस फील्ड का नॉलेज तो थोड़ा कम है कि मैं सवाल पूछ लेता हूँ, लेकिन जब लिरिक्स आती है आप लोगों के पास तो उसे कैसे सर मतलब बना के इस तरह से करते हैं आप लोग की, जब मार्केट में आता है तो हम देखते हैं कि ट्रेंडिंग पे आ जाता है, ये कुछ जरा व्यूअर्स को अगर आप बताना चाहें। सर ये ना सिचुएशन मिली थी, सिचुएशन मिली थी गाने की, तो हमारे लिए ये बड़ी बात थी कि हमको गाना हिट बनाना था, सनी लियोनी बेबी डॉल इतना हिट गाना दे चुकी है, और उसके बाद तो हमें वो मतलब उसको भी देखना है और प्लस हमें टीन एज को भी देखना है,
हमें बच्चों को बड़े को सबको देखना, शादी ब्याह फंक्शन क्लब डिस हर जगह गाना चले वो भी देखना, तो वो काम होता है सबसे पहले कंपोजर का, जो राज साहब, राज साहब ने इसको कंपोज किया, स्क्रीन वो करी, कंपोज खूबसूरत किया, ऑलरेडी कोई और गाना लॉक कर दिए थे कंपोज करके, हम लोग सब रेडी हुए, ठीक है रात सोए सुबह हमने चेंज कर दिया, नहीं यार इस सिचुएशन पे बैठो नहीं कुछ और करते हैं, फिर हमारी प्रोड्यूसर को सुना तो बोले अरे कुछ ऐसा करो ना, बोले मैं पंजाब की हूँ तो पंजाबी लोग को भी इस टेरिटरी में आना चाहिए, मैं बोला यार बात सही है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की भी सुनी है, तो हम लोग ने गाना ड्रॉप किया और फिर ये गाना हम लोग ने किया, तो राज साहब ने बहुत अच्छा कंपोज किया, राज साहब ने कंपोज किया, उसके बाद में फिर राइटिंग का काम आया, जिम्मेदारी, तो जैसे रेड रेड ये चिक्स मेरे कश्मीरी है, तो वो बच्चों जैसे मेरी बच्ची है मेरी बच्ची, उसका फेवरेट गाना है, तो मैं बनाया जब सुना तब से उसका फेवरेट गाना, वो 2 साल की थी तब से उसका फेवरेट गाना, ये मतलब अभी तो 3 साल की मतलब 6 महीना हो गया, हाँ, गाना 2 साल 6 महीने की हाँ, थी ना वो 6 महीना पहले ही हम लोग बनाए, 6 महीना 7 महीना, तो उसका उसको बहुत पसंद है, मैं जब गाना लिखे तभी ना पिक्चर ना वो कुछ नहीं था, खाली कंपोज हुआ लिखा गया, तब से उसको पसंद, तो उस कंपोजर के बाद राइटर के बाद फिर इसके रैपिंग लिटिल गोलू, उसके बाद आया कि डिज़ाइन कैसे कराया जाए, तो आदित्य देव आदि भाई आदि बाबा से डिज़ाइन करा गया, सिंगिंग का मसला आया सिंगर, तो फिर सिंगर सोचे यार डिफरेंट लगनी चाहिए, राज साहब ने बोले मेरा राज का झगड़े भी बहुत चलते हैं सब अच्छे थे, राज भाई नहीं भाई ये करेक्ट है ये करेक्ट है नहीं ये, तो फिर बीच में कही कि बहुत काम, ये तो अभी पहला काम है सर, मैं राज भाई के साथ 8-10 फिल्में कर रहा हूँ और आपको समझ में आएगा कि काम कैसा है, तो मेरे को काफ़ी चेंज भी राज साहब ने किया है, राज भाई ने मुझे बहुत अलग वे पे भी ले जाके राइटिंग करवाए लिखवाए, बहुत अच्छे कंपोजर, तो सिंगर पे जब मसला आया कि यार सिंगर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए, और वो वर्ड के हिसाब से भी कि झुमका पटियाले वाला, झुमका पटियाले वाला एयर भी ऐसा डाला, मेरे ब्यूटी के आगे सारे स्वैग हटा, और ये स्वैगी गर्ल तो है ही है, स्वैगी गर्ल हमें ये स्वैगी सारे स्वैग हैंडल, आई थिंक का ही आइडिया था ये स्वाति का ही स्वैगी, ये आइडिया इनका ही है, ये स्वैगी वर्ड इन्होंने दिया था जी। अच्छा राज जी एंड स्वाति जी आप लोगों से भी जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा गाना ट्रेंडिंग पर है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, सर ने बताया कि उनकी बेटी को गाना पसंद आ रहा है, एक चीज कभी कभी मैं कंपोजर्स को जो पसंद नहीं आती आपसे जानना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि हमने इतनी हार्डवर्क की हमने इतना मेहनत किया लेकिन जो पिक्चराइजेशन पे हम जो पिक्चर देख रहे हैं जो कुछ भी विजुअल बनाया गया वो गाने के अनुसार उस तरह से क्रिएट नहीं किया गया, क्या आप लोग जो आपके गाने के अनुसार आप लोग विजुअल पे खुश हैं ये जानना चाहेंगे जी। हाँ देखिए सर हम अपना काम ईमानदारी से किए, डायरेक्टर वो अपना काम किया, कोरियोग्राफर अपना काम किया, अब सर उनकी फिल्म की सिचुएशन भी होगी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सर हम तो एक गाना करते हैं डायरेक्टर तो पूरी एक फिल्म करता है, उसकी फिल्म में क्या सिचुएशन होगी कहाँ किसकी एंट्री कहाँ क्या उसको दिखाना है, तो डायरेक्टर तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा मेहनत किया और बीजल भाई अमन मेहता प्रोड्यूसर बहुत अच्छा उन्होंने किया, सब ने अपना काम किया, बाकी तो जी बिल्कुल सहमत हूँ बिल्कुल। शब्बीर भाई ने जो कहा कि हम एक गाने तक सोचते हैं लेकिन उनकी तो पूरी फिल्म है, वो पूरी स्टोरी कैरी कर रहे होते हैं, बिल्कुल मैं सहमत हो गया, अच्छा काम किया सब ने, अच्छा काम किया अमन मैम एज ए प्रोड्यूसर बहुत मेहनत किया उन्होंने, बिजल भाई ने और राजीव वालिया डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत से फिल्म की है, बिल्कुल सहमत है जी बिल्कुल। झुमका पटियाले वाला ईयर विच ऐसा डाला, झुमका पटियाले वाला ईयर विच ऐसा डाला, मेरी ब्यूटी के आगे सारे स्वैग हैंडल, आम सिक्से बाबी गर्ल, आम सिक्से बाबी गर्ल, शाइनिंग ब्यूटी लाइक
कांग्रेचुलेशन आई थिंक कुछ ही घंटों के बाद शायद ये नंबर 1 पे ट्रेंडिंग थैंक यू सो मच वी विल द सेम थैंक यू सो मच इन्हें पापा बुला के तुरंत से मिलने और डायरेक्ट बोले ये अपने आप ही 20 मिनट बंद हो जाता है हां मैं इसे रिमोट सर कुछ लेंगे सर चाय पानी नहीं नहीं अभी कहां मिलेगा कुछ सर है सर क्या लेंगे आप सैंडविच बिल्कुल सर आप हुकुम कीजिए नहीं नहीं वो आ रहा अभी बस बोल ओके